अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इनसाइटर्स। आज हम आपको टॉप व्यू की तरफ से लेके जा रहे हैं F2 और F3 की। ये लेफ़्ट साइड पे मेरा आपको F3 नज़र आ रहा है और यहाँ पे माशाल्लाह से घर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये टॉप व्यू की तरफ देखें तो ये बहुत ही सॉलिड लैंड है और ये बैरियर टाउन काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ से नीचे आता है। और ये मैं सेंटर बुलेवार्ड की तरफ से जा रहा हूँ। ये आपको देखें गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रही है। ये ऑर्चर्ड की तरफ से, लैंड कटिंग की तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये राइट साइड पे आपको F2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरिया लिटिगेशन में है। तो यहाँ पे हम आपको F3 की तरफ दिखाते जाएँ कि F3 पे यहाँ पे देखें मुकम्मल तौर पे प्लॉट डेवलप हैं, कुछ एरिया में बस कुछ लिटिगेशन हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस टाइम काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। डेवलपमेंट की बात करूँ तो F3 में आप देख सकते हैं फुटपाथ मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं, और F2 F3 दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों सेक्टर ही अच्छे हैं। F3 लोकेशन वाइज में थोड़ा सा ये कि अप्रोच में पहले आता है, लेकिन दोनों के रेटों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। F2 में कुछ एरिया पॉकेट्स हैं, लिटिगेशन है, आपने जब भी प्लॉट ख़रीदना है तो उसमें चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि इसमें कोई लिटिगेशन वगैरह ना हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% बल्कि 95% कम्प्लीट हो चुकी है। और उसमें ये भी है कि ज़्यादातर प्लॉट जो हैं वो काफ़ी दफ़ा सेल हुए हैं, उनके प्राइसेस काफ़ी 3 माह के अंदर 4 माह के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। मैं अगर इसको बात करूँ ग्रीनरी की तो काफ़ी ज़्यादा बैरियर टाउन ने इस ग्रीनरी को दोबारा प्लांटेशन लगाई है। और ये देखें पैचेस की बात करूँ, ये देखें बैरियर टाउन उन सोसाइटीज़ में से नहीं है कि जो एक दफ़ा प्लाट सेल करके दोबारा मेंटेनेंस की तरफ नहीं आती। सुबह हम आए हैं, ये तकरीबन 7 बजे का टाइम है और ये मेंटेनेंस आपको देखें अभी भी रोडों की ऊपर मशीनरी काम कर रही है। जो जहाँ पे रोड डैमेज है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बैरियर टाउन की मशीनरी काम कर रही है और बहुत जल्दी ये रिपेयर कर देंगे। और इसमें बात करूँ पानी बिजली ये सब ओके है। GT रोड से तकरीबन इसका जो है फासला वो 12 किलोमीटर है। रेट्स के हवाले से बात करूँ तो F2 में इस टाइम जो है 40 लाख से 80 लाख रुपया, F3 में BB वही है 40 लाख से 80 लाख रुपया, और जो हमारा पास कनाल के प्लॉट्स हैं उनके तकरीबन 85-90 से स्टार्ट होकर 140 तक जा रहे हैं। F3 में सिर्फ कनाल हैं, बाकी लिमिटेड प्लॉट्स हैं बहुत ही, कुछ एरिया इसमें अभी पहाड़ी के नीचे वो कटिंग हो रही है। ये सेंटर बुलेवार्ड 80 फुट के बुलेवार्ड है, इसमें से 2 बुलेवार्ड गुजर रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये भी 80 फुट का बुलेवार्ड है और ये राइट नाउ हम ऊपर की तरफ जो मेन एक्सप्रेस वे है बैरिया का उस तरफ जा रहे हैं। पैचेस काफ़ी हद तक बैरियर ने ये कम्प्लीट कर दी हैं, इनकी जो रिपेयरिंग है वो भी काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। ये आपको हम F3 में और F2 के दोबारा उसी में हम व्यू में टॉप व्यू की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ये देखें आपको लेफ्ट साइड पे आपको F3 के काफ़ी घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एरिया पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसका रेट इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि एक्सप्रेस वे के करीब है, तो जो मैक्सिमम रेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे हम रोड के करीब आते जाएंगे आपको रेट्स का इजाफ़ा मिलेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बेहतरीन चीज़ है। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे सेल परचेज़ के हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट हो, ऑन ग्राउंड भी लेके आते हैं। तो आप मेरा काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैरियर टाउन फेज़ 8 और DHA के कोयटा और DHA इस्लामाबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी डे हम फर्स्ट काम कर रहे हैं। ये देखें आपको दोबारा हम इसको आपको मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर आएँ, ये देखें वो एक्सप्रेस वे है जहाँ से हम इसकी एंटर होती है। तो ये हम राइट साइड पे आगे दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और ये जो मेन इसका बैरियर टाउन फेज 7 को जो रोड जा रहा है हम उसकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियोज़ हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।